Now I'm going to start the topic 1.7 and it is about the significant figures. ठीक है, हमारे पास एक रीडिंग आ रही है, कोई सी भी है, ठीक है. अब हमें नहीं पता उसमें कितनी परसेंट एक्यूरेसी है और हमें कहाँ तक वैल्यूज चाहिए, तो हम लोग एक सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज़ करते हैं. उससे हमें पता चलता है कि इस हद तक हमें ये वैल्यूज़ चाहिए और यहाँ तक सिग्निफिकेंट हैं. उसके बाद हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं. तो फर्स्ट नॉन डिजिट, फर्स्ट एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड सेकेंड डाउटफुल. ये होता है बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर. एक जो एक्यूरेटली लाइक 66.754, 66 क्या है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट है. ये 66 चेंज नहीं होगा. उसके बाद जो फर्दर वो पॉइंट्स पे वैल्यूज आ रही हैं, उसमें सेकेंड डिजिट जो कि डाउटफुल है, ये पूरा हमारे पास बनाएगा सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर होगा एंड बाकी जो दो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे. तो अब हम इसी तरह पढ़ेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज को या जीरोस को जो है हम सिग्निफिकेंट कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते और उनका क्या फंक्शन होगा. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज को देखा जाए, जो मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं, उसमें सबसे पहले हम करते क्या हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज में हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं. फिजिकल क्वांटिटीज, एक तो मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी वैल्यू एंड सेकेंड वन इज द यूनिट्स. ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें अगर आ गई हैं हमारे पास तो इसमें हमें एक्यूरेसी चाहिए. तो एक्यूरेसी के लिए हमारे पास जो थ्री स्टेप्स होते हैं, नंबर वन है कि क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो बेस्ट होनी चाहिए. ठीक है, अब क्वालिटी को किस तरह ले सकते हैं कि अगर आप लाइक परचेज करने गए हैं कोई जूता, ठीक है, और आपने जस्ट वो रफली यूज़ के लिए करना है और आप प्रेफर करते हैं कि नहीं मुझे बहुत सस्ता वाला मिले. अब एक ही डिज़ाइन का जूता दो अलग अलग शॉपकीपर्स के पास मौजूद है, बट एक के पास थोड़ी कम कॉस्ट में है लाइक 500 की कॉस्ट में है और दूसरा वही जूता जो है वो 700 का बताता है और विद गारंटी के 6 मंथ चलेगा या 1 ईयर आप इसको यूज़ कर सकते हैं. बट हम प्रेफर क्या करते हैं कि हम थोड़ा सस्ता वाला ले लें, बाद में देखी जाएगी चलता है या नहीं. और वो क्या होता है अल्टीमेटली कि 2 मंथ्स बाद वो जूता टूट जाता है. हमने उसकी क्वालिटी को प्रेफर ही नहीं किया और वही जूता हमें अगर उसको ही रिपेयर करवाने लगें या उसके उसको रहने दें और न्यू लेने चले जाएं तो हमें 1 साल या 6 महीने में इतनी दफ़ा तो जूते ही लेने पड़ जाएंगे. तो इसलिए सबसे पहले क्वालिटी को प्रेफर किया जाता है. इसी तरह अगर आप फिजिक्स में देखें, आप इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी को चेक नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका समटाइम डिवाइस ख़राब हो जाता है. आपने एक बैटरी की पहले वोल्टेजेस चेक नहीं की, उसकी क्वालिटी को चेक नहीं किया, तो क्या होगा कि आप पूरा आपने फंक्शन अपना परफॉर्म कर लिया, एंड पे रीडिंग गलत आएगी. क्यों? क्योंकि आपने क्वालिटी चेक नहीं की. इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज़ में सब एक्यूरेसी लेने के लिए सबसे पहले होता है क्वालिटी को देखना, क्वालिटी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. नंबर टू है स्केल ऑफ ऑब्जर्वर. अभी जिस तरह वॉल्यूम सिलेंडर था वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, उसी में हम देख लें कि हमने वाटर लेवल्स को पढ़ा कि अगर किसी भी चीज़ का लेवल हम चेक करना चाह रहे हैं और उसकी रीडिंग के बिल्कुल सामने हमारी आई कांटेक्ट नहीं होगा तो हमारे पास सही रीडिंग नहीं आएगी. तो हमें पता होना चाहिए कि एक इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रीडिंग लेने का स्टाइल क्या है. अगर हम उसको ऊपर से ले रहे हैं तब हमें कैसी रीडिंग मिलेगी, नीचे से हम देखना शुरू कर दें कैसी मिलेगी. तो एक एक्यूरेट रीडिंग के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो है एग्जैक्ट मेजरमेंट किस जगह पर आएगी. दैट इज़ अबाउट द स्केल ऑफ ऑब्जर्वर. एंड नंबर थ्री इज़ अबाउट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, हम मोस्टली क्या करते हैं कि जब हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है कोई भी, तो हम मोस्टली हम यही कहते हैं कि जी 3 रीडिंग्स तक ले लें, ग्राफ बन जाए और फारिग. अगर वही देखें, आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आपके पास 3 रीडिंग है और एक ग्राफ बनाने के लिए एटलीस्ट 3 रीडिंग्स हमें रिक्वायर होती हैं.
हम प्रेशर और वॉल्यूम का ही ग्राफ देख लेते हैं, एक के जी वो स्ट्रेट लाइन था। अब स्ट्रेट लाइन के लिए थ्री पॉइंट्स तो अटैच करने ज़रूरी है ना, मैच करें। हमने रीडिंग्स ही थ्री ली हैं, थ्री रीडिंग्स ली, ठीक है। उसमें क्या हुआ, एक पॉइंट तो हमारा चले अटैच कर गया यहाँ पे आ गया, दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया, तीसरा पॉइंट यहाँ आ गया। आप कभी भी इस एक पॉइंट के थ्रू ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए जब हम ज़्यादा रीडिंग्स देंगे, लाइक अप टू सिक्स रीडिंग्स भी ले लेंगे, तो क्या होगा, कोई ना कोई वैल्यू फिर इधर पॉइंट पे आ जाएगी, एक इधर चले जाएगी, फिर एक पॉइंट पे आ जाएगी और हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा। और उनको बस मार्क कर देंगे इस तरह से कि ये रीडिंग्स नहीं मैच करी। इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास एक एक्यूरेट वैल्यू आ जाए। अगर हम ग्राफ नहीं भी प्लॉट कर रहे, हम एवरेज ले रहे हैं, तो एवरेज भी इसी तरह ली जाती है कि ज़्यादा सारी रीडिंग्स को उनके टोटल नंबर पे डिवाइड कर दें। तो हमें एक्यूरेसी तभी मिलती है जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थोड़ी अपनी ज़्यादा रखते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक आ सकते हैं। जिस तरह ए की बुक है, ए की बुक को, ए की मीटर रॉड को एक बच्चे को दिया एंड उसने कहा ये बुक है, ये दैट इज़ एग्जांपल, ठीक है। ए की बुक है, उसने कहा 18 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, ठीक है। ये बुक थी, उसने एक मीटर रॉड से जो है इसकी मेजरिंग की, दैट इज़ 18 सेंटीमीटर। अब 18 सेंटीमीटर में हमें एग्जैक्टली नहीं पता, वन का तो एग्जैक्ट हमें पता है कि ये नॉन डिजिट है, एट जो है वो डाउटफुल डिजिट है, क्योंकि ये 9 भी हो सकता था, ये 7 भी हो सकता था, इसलिए हम इसमें डाउटफुल हैं। अब वही बुक और वही मीटर रॉड दूसरे बच्चे को दे दिया, उसने कहा इसकी रीडिंग है 18.2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। उसने थोड़े पॉइंट्स में वैल्यू बता दी, इट मींस 1 और 8 तो हो गए सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये नहीं चेंज हो रहे, फर्दर आगे पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही हैं। तो 2 क्या हो जाएगा हमारे पास देन, डाउटफुल। तो यही बुक और वही मीटर रॉड एक और बच्चे को दिया एंड उसने कहा नहीं, ये तो 18.25 सेंटीमीटर्स है, इट मींस 18.2 दैट इज द सिग्निफिकेंट एंड 5 जो है वो डाउटफुल है। तो एक्चुअली मिलके क्या बना रहे हैं, ए बिल्कुल 3 या 2 जो है नॉन डिजिट्स और एक डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज में 0 आ रहा होता है, ठीक है। जिस तरह अभी हम कोई लिख के देख लेते हैं 5000, ठीक है, 5000 में अब 3 जीरोज आ रहे हैं, इनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अब इसी तरह 5070 देख लें, इनमें 2 जीरोज आ रहे हैं तो इनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसे कौन से डिजिट हैं या ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम इन जीरो को काउंट नहीं करेंगे और हमें ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देंगे। तो नंबर 1 पे देख लेते हैं, हमारी सबसे पहली प्रेफरेंस होती है कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। नॉन ज़ीरो डिजिट्स कोई भी हो गए, 57, 85, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, वो हम नॉन ज़ीरो को जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर कर रहे हैं। बट उनमें भी पॉइंट्स आ जाते हैं कि अगर वो बहुत पॉइंट के बहुत ज़ीरो आ रहे थे बाद में और काफ़ी एंड पे जाके वो आए हैं तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरह अब सेकंड प्रेफरेंस पे आ गया हमारे पास ज़ीरोस। सेकेंडली हमने देखना है कि अगर एक ज़ीरो आ रहा है तो वो जो वैल्यू है उसके किस साइड पे आएगा तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रोवाइड करेगा। अब वैल्यू है 0.005070, इसमें जो ये पहले 3 जीरोस हैं ये हमें कोई फिगर प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है, ये जस्ट स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं, इनको स्पेस कंज्यूमिंग कहते हैं, फेस कंज्यूमिंग, स्पेस कंज्यूमिंग, ठीक है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो ये 4 हैं, क्योंकि आप देखिए कि 5070 को हम कभी भी 57 कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा। 5070 एक अलग फिगर है और ये पूरा एक फिगर है, दैट इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर। बट उससे पहले जितने भी जीरोज आए हैं वो सिर्फ स्पेस कंज्यूम करने के लिए आए हैं, क्योंकि समटाइम्स हमें डेट भी लिखनी हो तो इस तरह से दिए जाते हैं कॉलम्स कि यहाँ पर डैश लगी हो, लाइक आज डेट 1 है, 01
टेन, ठीक है, 10 मंथ है, तो ये जीरो सिर्फ स्पेस को कंज्यूम कर रहे हैं, इसका और कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि हमें ये कोई और चीज़ नहीं दे रहा। अगर हम यहाँ पे जीरो ना भी लगाएं तो इट्स ओके, बट स्पेस को कंज्यूम करने के लिए हम जस्ट जीरो लगा देते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे पास वैल्यूज 30 तक जानी होती है, इसलिए 2 डिजिट्स हमें दिए जाते हैं और वहाँ पे हम स्पेस को कंज्यूम करने के लिए जीरो भी लगा लेते हैं। अब अगर हमारे पास जीरो आ रहे हैं लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड पे, लाइक 50,000, ठीक है, अब ये राइट साइड पे जो जीरोस आ रहे हैं इनको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 50,000 एक अमाउंट है, इसको जस्ट हम 5 कंसीडर नहीं कर सकते। इट मींस के नॉन डिजिट, नॉन जीरो डिजिट्स भी सिग्निफिकेंट होते हैं टू सम एक्सटेंट, और जो जीरोस लेफ्ट साइड पे आ रहे होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस। देन हमने कंसीडर किया कि अगर वो राइट साइड पे आ रहे हैं तो वो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, क्योंकि अगर वो पॉइंट्स के बहुत बाद तक चलते जा रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, जिस तरह 50.000.00, ठीक है, यहाँ तक तो हम इसको सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर उसके बाद भी 0000 तो इनका हमें कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए ये मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अब इसी तरह हमारे पास अगर एक वैल्यू है 4 पॉइंट पे, हम ले लेते हैं 57010025, ये एक प्रॉपर एक डिजिट है, ठीक है, इसमें हम जीरोस को निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि हम कह दें कि ये 57125 है, ये एक अलग से डिजिट है, अलग फिगर है, लेकिन ये एक अलग है, इसमें जीरोस को सिग्निफिकेंट ही काउंट किया जाएगा, तो यहाँ पे जीरोस सिग्निफिकेंट के तौर पे ही वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ वो जीरोस जो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं स्पेस कंज्यूम करने के लिए उनको नॉन सिग्निफिकेंट जीरो कंसीडर किया जाता है, उसके अलावा अगर वो राइट साइड पे आ रहे हो तो वो मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट है, बट जो वैल्यूज के डिजिट्स के दरमियान में आ रहे हैं दे आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। और नंबर 5 पे होता है अगर कोई वैल्यू 0.47 × 10⁻³, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास 0.47 एक होल नंबर से वैल्यू स्टार्ट हुई है, हम प्रेफर तो यही करते हैं कि ज़ीरो को शिफ्ट कर दिया, पॉइंट को शिफ्ट कर दिया जाए उस जगह पे जहाँ पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट हमें मिल रहा है, तो हम उसको शिफ्ट करके भी और साइंटिफिक फॉर्म में जो हमारे पास आ रही होती हैं वैल्यूज़ उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो सब डिपेंड कर रहे होते हैं उनकी 10⁻³ पे, ठीक है, अगर 10⁻³ है इट मीन्स यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो होल नंबर्स में जो हमारे पास वैल्यू आती है इन द पावर ऑफ 10, उसमें पावर हमें बताती है, 10 का मल्टीपल हमें बताता है कि सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है। तो ये था हमारा एंड का टॉपिक, जिसमें हमने अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्क्राइब किया कि वो एक्यूरेटली नॉन डिजिट और फर्स्ट जो है फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरह भी मॉडिफाई कर सकते हैं, एनी एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, या उस तरह से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो वो दोनों मिला के हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे, और अगर नॉन जीरो डिजिट्स होंगे तो वो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट है टू सम एक्सटेंट, अगर लेफ्ट साइड पे हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं, अगर राइट साइड पे हैं तो वो मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट हैं, अगर वो डिजिट्स के अंदर हैं जीरोस तो वो सिग्निफिकेंट हैं, और होल नंबर्स में अगर पावर ऑफ 10 आ रही, मल्टीप्लायर 10 का आ रहा है, तो वो मल्टीप्लायर 10 जो है हमें बताएगा कि वो सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है।